गिरवी आदमी। काउंटर पर बैठी लड़की ने राशि जमा करके जब कहा कि आज आपकी अंतिम किश्त जमा हो गई है, तो उसने राहत की एक लंबी सांस ली। दरअसल पिछले 25 महीनों से वह एक दबाव में जी रहा था। छोटी बेटी की शादी में उसने दामाद को सोने की चेन पहनाई थी। उस पर बड़ी बेटी ने जिद की कि हमें तो नहीं पहनाई। उसने बेटी की भावना को समझा और कुछ समय बाद जब बड़ी बेटी के लड़का हुआ तो उसने गुजाइश नहीं होते हुए भी एक सुनार के पास 5,000 रुपये की मासिक किश्त पर सोने की चेन खरीद ली। यह राशि 25 महीने में अब जाकर उतरी थी। प्राइवेट नौकरी करते हुए अल्प वेतन में से हर माह 5,000 रुपये निकालना उसके लिए बेहद कठिन था। इस दौरान उसे यही लगता रहा कि वह सुनार के पास गिरवी पड़ा है। आज वह खुद को आज़ाद पा रहा था। घर पहुंचा तो छोटी बेटी आई हुई थी। उसके भी कुछ दिन पूर्व पुत्र हुआ था और वह पुत्र के साथ पहली बार पिता के घर आई थी। वह बहुत प्रसन्न हुआ। एक दिन छोटी बेटी अपने नन्हे पुत्र को खिलाते हुए उससे बातें करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे नानू अपने नाती को सोने की चेन देते हैं, बड़े भैया को दी थी, तुम्हें भी देंगे। और अगले दिन उसने फिर 25 महीने के लिए खुद को सुनार के पास गिरवी रख दिया। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।